मैं ज़िंदगी तो जीना चाहता हूँ, अपने घर वालों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है मैं उसको निभाना चाहता हूँ। टांग रहे ना रहे, उसने दी है वो लेना चाहता है, उसको अर्पण है। बस हमारा भाई एक बार ठीक हो जाए, बस कुछ इतनी मदद कर सकते हैं, बस करो एक बार ये ठीक हो जाए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरा छोटा भाई है, इसने अपने हाथों से मेरी शादी करवाई है, और जितनी मदद हो सकती है आप लोग करो, हम भी कर रहे हैं, पर अभी हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, अभी हम असमर्थ हो गए हैं, तो कृपया करके सभी इसकी मदद करो और इसकी जान बचा लो। बस सारे अग्गे हत्थ जोड़े करना, यानी आखनी मेरे बच्चा बचाई देउड़ो, मिगी जिन्नी मदद करी सकदे करी सकूड़ो, मेरे बच्चे ही मिगी ठीक करी देउड़ो एक बारी। मैं इ'यै भगवान ही आखनी ते इ'यै लोकें ही आखनी कि मेरी जिन्नी होई सकदी उन्नी करो, मेरा घर आह्ला ही बमार है, अ'ऊं बड़ी परेशान होई चुकी दी, इस बेल्लै अ'ऊं भगवान कोला अगर बहुत मंगा ओह् बी नी दिंदा है मिगी, मेरे बच्चे ही ठीक लोड़दा, मैं बस होर कक्ख नी लोड़दी। मैं डाक्टर ने एह् बी गल्ल आखी सकनी कि डाक्टर जी मेरियां लत्तां मुड़ियै मेरे पुत्तरे लाई ओड़ो, डॉक्टर नहीं मनदी हैन, मैं बड़ी परेशान होई जा दी, करा खर्चा इ'यै चलांदा ते हुन बस लोकें गै लेई लेइयै ते केह् करना, खाने ढिड्ड दे भरने नी किसे जाले ने, ढिड्ड भरने इक टैम नेक भावें नेईं खंदे होगे, साढ़ा बच्चा बमार है, वा करी केह् सकने अस हुन, इ'यै सारा हा साढ़ा ते एह् बी भगवान साढ़े सामने गै लटा दा, होर केह् करी सकने, तुस दस्सो लोकें अगर कुसै अग्गें अस हत्थ जोले करगे, लोक इ'यै सोचदे होने भाई एह् भाई फ्राड करा दे नी, मेरा बच्चा बमार है, अस कोई मां बाप फराड उप्पे करदे, अगर मां आउंदी ते अ'ऊं फराड उप्पे करनी है बच्चे गल्ला। रोना नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगी, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, थोड़ा हौसला रखो, हौसला रख के बात करो, जितनी मदद हो सकती है तो हमारी मदद करो। बीती रात को मुझे एक कॉल आती है और कॉल पे ये कहा जाता है कि सर एक बच्चा है जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, उसे सीए हो गया है, क्या आप ये स्टोरी करोगे? तो मेरे से रहा नहीं गया और आज मैं ये स्टोरी करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे कहूँगा आपका एक शेयर विनीश की जान बचा सकता है, आपको शेयर करना है और एक शेयर से इसकी ज़िंदगी इसे वापस मिल सकती है। विनीश सिर्फ अकेला घर का एकमात्र सहारा है जो पूरे परिवार को पाल रहा है और 7 महीने पहले इसने अपनी बहन की शादी करवाई है। पिताजी ड्राइवर थे लेकिन पिताजी की आंखें खराब हो गईं और सारा घर का बोझ इस बच्चे पे आ गया। विनीश को 4 महीने पहले टांग में एक दाना निकला और उसके बाद ये डॉक्टर्स के पास गया, उधमपुर भी गया, नारायणा भी गया, जम्मू भी गया और डॉक्टर्स ने मात्र इस दाने को साफ किया और दवाई दी और घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद इसके हालात बिगड़ते गए और आज ये पोजीशन है कि इसे सेकंड स्टेज का सीए है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना प्यारा बच्चा है और मात्र इसकी 20 साल उम्र है और 20 साल की उम्र में इसने पूरा अपना घर संभाल कर रखा है, पूरे घर का बोझ इसी के ऊपर है, मात्र एक ही अपने परिवार का सहारा है और घर का इकलौता चिराग है। पिताजी को मैं दिखाना चाहूँगा, पिताजी की आंखें काम नहीं करती हैं, पिताजी अपना हौसला खो चुके हैं और 24 घंटे अपने बेटे के पास बैठे हुए हैं और कोई भी इनके पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड था वो भी अपना ये उपयोग कर चुके हैं और अब सहारा अगर है तो आप सबका सहारा है, हमें सबको मिलकर इसकी सहायता करनी होगी। विनीश से मैं जानना चाहूँगा, विनीश पहले मुझे बताइएगा क्या पूरी कैसे स्टार्ट हुई थी आपको, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई? नॉर्मल सी थोड़ी सी दर्द थी घुटने में, अभी चला गया ऐसे दिखाने डॉक्टर को, थोड़ी कम थी दर्द पर सह रहा था, बैठने में ज़्यादा तकलीफ होती थी, चला गया डॉक्टर के पास, जम्मू चला गया श्रीनगर में, उन्होंने बायोस्पी की उसके बाद घर भेज दिया, फिर बोलते कि बायोस्पी अच्छी नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, वो ऑपरेट करेंगे। हम वहाँ से किसी ने बोला कि भाई इधर ऐसे ही करते रहेंगे, 8-10 ऑपरेशन कर देंगे, बाद में ऐसे करेंगे, फिर हम उधर से पठानकोट चले गए, उन्होंने ऑपरेट किया, हड्डी थोड़ी निकाली, सफाई की, हड्डी बोन की सफाई की, उसके बाद क्लॉट बनना शुरू हो गए
ऑपरेशन शुरू हो गया। हाँ क्लॉटिंग शुरू हो गई, निकाला एक हफ्ता रहा मैं उधर, निकाले उन्होंने घर भेज दिया। फिर हफ्ते के बाद दोबारा जाना पड़ा वहाँ पे, दोबारा बनने शुरू हो गए क्लॉट दोबारा। फिर वो ऑपरेट किया, फिर वो MIR वगैरह करवाया, MRI करवाया, फिर बोलते कि इसमें वो CA हो चुका है। आप कहीं काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे? मैं घड़ी में काम करता हूँ। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता हूँ। ठीक। हाँ काम सीख रहा हूँ मैं, साथ में कर रहा हूँ। तो आप घर का पूरा, आप ही पूरा संभाल रहे हैं घर को? हाँ संभाल, हाँ हम ही, मैं ही संभाल रहा हूँ। गुड। आपका हौसला देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं हौसला आया, क्योंकि ये जब मैं स्टोरीज करता हूँ तो मेरा भी कहीं ना कहीं हौसला गिर जाता है। लेकिन ये बच्चा देखिए, इसके फेस पे अभी भी स्माइल है। बहन है, 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बहन की भी पढ़ाई पूरी ये करा रहा है। और माताजी, आप देखिए कि माताजी के आंखों से आपको दिखेगा कि कितनी परेशान है। माँ की ममता है, परेशान क्यों ना हो। मैं पहले बहन से जाना चाहूँ। बच्चे कौन सी क्लास में? क्लास में ओके। तो भाई का कितना सहारा रहता है अगर इस तरह से बेड पर रह जाए भाई? तो देखिए बच्चे, रोना नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगी? जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, जितनी मदद हो सके तो हमारी मदद। थोड़ा हौसला रखो, हौसला रख के बात करो। जितनी मदद हो सकती है तो हमारी मदद करो। मेरे भाई को ठीक होना है। तो देखिए, बोलने के काबिल भी नहीं है। पिताजी हैं यहाँ पर, थोड़ी अखाँ ये खराब हुई हैं। मैं गड्डी चला रहा हाँ। अच्छा। तो मैं कोरोना इंजेक्शन लगवाए। अच्छा। मेरे बाद 2 महीने बाद मेरी अखाँ चुकना लग गई हैं। एक खुल दी अंगड़ी, भी मैं नरायणा दसिया, सुपर लिस्ट जम्मू दसिया, चंडीगढ़ PGI इंजेक्शन लगे 25-30 हज़ार। इन्ने पैसे भी मेरे को हो नहीं सके नहीं किश। फिर मैं अपना इलाज छोड़िया, बस इन्हें रिश्ता आया, असें रिश्ता कराई लिया। आख लगा डैडी कोई गल नहीं, पैसे जिन्हें हूँ मैं। हाँ जी, फिर इन्हें रिश्ता रुश्ता कराया, हूँ अजे पे 2-3 महीने हो गए, ये बीमार हो गया बस। खर्चा बर्चा लोगों को दुआ दू लैके चला जी, मंग मुंग के खाना खा रहा जी। हूँ बस इयो सोचा मैं, माँ ठीक हो जाए बस, मेरी मदद की है और कुछ नहीं है। हौसला रखो, थोड़ा बेटा ठीक हो जाना। बहन है, बहन की शादी इसने 7 महीने पहले करवाई थी, 7 महीने। और आज जिस भाई ने शादी करवाई है, अपने भाई को शायद इस अवस्था में ये बहन नहीं देख सकती है। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जिसने पूरा परिवार बुनकर रखा। रोना नहीं है, सहारा रखो, सहारा रखो। क्या क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग देख रहे हैं क्या कहना है? थोड़ा हौसला तो रखो, अगर आप अपने भाई के सामने रोओगे तो उसका हौसला टूट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा भाई एक बार ठीक हो जाए बस, कुछ इतनी मदद कर सकते हैं बस करो, एक बार ये ठीक हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने, जो भाई ने आपकी शादी करवाई, आज इस अवस्था में है, छोटा होगा आपसे, घर में लड़ाइयाँ भी होती होंगी, तो आज किस तरह से आप देखती हैं भाई को? बिल्कुल नहीं देखा जाता, क्या देखेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? तो देखिए जी, बहन बोलने में असमर्थ है, लेकिन मैं दोबारा से आप सबसे कहूँगा कि जितना हो सके इस बच्चे की सहायता करें, और घर का जो चिराग है, एकमात्र चिराग है, इसे बुझने से हम सब आप रोक सकते हैं। दिवाली हम सब बनाएंगे, लेकिन इस बच्चे की दिवाली भी बनाइए, ये परिवार भी खुशियाँ इस परिवार में हो। माताजी हैं, और माताजी भी मैं देख रहा हूँ कब से, जब से हम यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, माताजी इन्होंने पूरा हौसला रखा हुआ है, लेकिन हौसला क्या है वो अंदर से खुद ही जानती हैं कि किस तरह का इनके अंदर हौसला है। तो क्या आखना चाहिए समाज, जो लोग दिखा रहे खबर, क्या आखनी? तुम्हारे पैसा दा रहता नहीं वो सारे अगे हाथ जोड़े करना, या नहीं आखनी मेरे बच्चा बचाई देउड़ो, मिगी जिन्नी मदद करी सकदे करी सकूड़ो, मेरे बच्चे ही मिगी ठीक करी देउड़ो एक बारी,
मैं इ'यै भगवान ही आखनी ते इ'यै लोकें ही आखनी कि मेरी जिन्नी होई सकदी उन्नी करो, मेरा घर आह्ला ही बमार ऐ, में बड़ी परेशान होई चुकी दी इस बेल्लै, अ'ऊं भगवान कोला अगर मौत मंगा ओह् बी नी दिंदा ऐ मिगी, मेरे बच्चे ही ठीक लोड़दा, में बस होर कक्ख नी लोड़दी। में डाक्टर ने एह् बी गल्ल आखी सकनी कि डाक्टर जी मेरियां लत्तां मुंडियै मेरे पुत्तरे ही लाउड़ो, डाक्टर नेईं मनदे हैन, में बड़ी परेशान होई जा दी। मेरी इ'यै दुआ लोकें अग्गें कि मेरे बच्चे आस्तै अगर तुस करी सकदे ना मेरा पुत्तर ठीक करी देओ, बस मेरी इ'यै इच्छा। होर घर दा खर्चा वर्चा कि'यां चलाना, घरा खर्चा इ'यै चलांदा ते हून बस लोकें गै लेई लेइयै ते केह् करना, खाने ढिड्ड दे भरना नी किसे जाले ने, ढिड्ड भरा ने इक टैम ने, इक भावें नेईं खंदे होगे, साढ़ा बच्चा बमार ऐ, वा करी केह् सकने अस हून, इ'यै सारा हा साढ़ा ते एह् बी भगवान साढ़े सामने गै लटा दा खट्टा, होर केह् करी सकने। तुस दस्सो लोकें अगर कुसै अग्गें अस हत्थ जोले करगे, लोग इ'यै सोचदे होने भाई ये पानी फ्राड करा दे नी, मेरा बच्चा बमार ऐ, अस कोई मां बब फ्राड उप्पे करदे, अगर मां आंदी ते अ'ऊं फ्राड उप्पे करनी है बच्चे गल्ला। देखिए जी माँ की यहाँ पर ममता, मैं भी अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से भी ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं, कृपा करके जितना हो सके योगदान करिए, चाहे वो 100 का है, 50 का है, 1000 का है, 500 का है, लेकिन इस बच्चे की अगर आप भी जिंदगी चाहते हैं कि दोबारा से ये अपने पाँव पर खड़ा हो और दोबारा से अपने माता पिता का सहारा बने, तो आप भी जितना हो सके सहायता करें। विनीश क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी जीना चाहते हैं? जिंदगी तो जीना चाहता हूँ, अपने घर वालों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है मैं उसको निभाना चाहता हूँ। अब टांग बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेट होगा तो देखते हैं सर्जरी करके दूसरी लगती है कि नहीं लगती, नहीं लगेगी मैं तो अपने घर का काम करने के लिए। अगर टांग भी चले जाएगी फिर भी आपको परवाह नहीं है? मेरे को कोई प्रॉब्लम यही होगी कि होगा थोड़ा बीच में कष्ट तो आते हैं बंदे को कि टांग नहीं होगी, लेकिन काम तो करना है, घर का अपना करना है, टांग रहे ना रहे उसने दी है वो लेना चाहता है, उसको अर्पण है। देखिए जी इस बच्चे का आप हौसला देखिए, कहता है कि अगर टांग भी मेरी चली जाएगी तो मुझे फिर भी काम करना है, अपने परिवार को पालना है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं कि कृपा करके इस परिवार की तरफ एक बार दिखाइए, सौरभ दिखाइए, देखिए पूरा परिवार यहां पर बैठा हुआ है और देखिए किस तरह से ये परिवार गम में डूबा हुआ है, और इनके पास कोई अगर आशा की किरण है तो वो हम और आप हैं। इस आशा की किरण को बुझने मत दीजिएगा, और मेरी दोबारा से आप सबसे आग्रह है, आप सबसे विनती है कि अगर आप मनीष को आप जिंदगी नहीं देना चाहते हैं तो कृपा करके योगदान ज़रूर करिए। आपका एक योगदान एक शेयर दोबारा से मनीष को अपनी ज़िंदगी जीने पर दोबारा से उतारू कर सकता है, और कृपा करके आप थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो यहाँ पर योगदान ज़रूर करिए। धन्यवाद।